गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जिलाधिकारी एमपी सिंह ने सोमवार को क्षेत्रीय ग्राम्य विकास परिसर में निर्माणाधीन महिला छात्रावास, निर्माणाधीन सदर तहसील तथा निर्माणाधीन स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय ग्राम विकास सभा कक्ष में प्लास्टर का कार्य तथा सीढ़ियों पर लगाई गई टाइल्स की फिनिशिंग सही नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधितों को फटकार लगाई, दूसरी टाइल्स लगाने का निर्देश दिया। गोष्ठी कक्ष में कार्य शुरू न होने का कारण पूछते हुए अविलंब कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। निर्माणाधीन महिला छात्रावास के निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन करते हुए कार्यदायी संस्था को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण मटेरियल प्रयोग करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात उन्होंने निर्माणाधीन सदर तहसील एवं स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने 15 दिसंबर 2020 तक सदर तहसील में मजदूरों की संख्या बढ़ाकर कार्य प्रगति लाते हुए ग्राउंड स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने तथा निर्माणाधीन स्टेडियम में बनाए गए भवनों का प्लास्टर कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर संख्याधिकारी नीरज श्रीवास्तव, तहसीलदार मुकेश सिंह, ADSTO परशुराम, ADIEO राकेश कुमार एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उपस्थित थे। गौतम स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में करंडा के मैनपुर में आयोजित राज्य स्तरीय 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम ने किया। उद्घाटन मैच शेरपुर और गोरखपुर के बीच हुआ। गोरखपुर की टीम ने शेरपुर को 25-22 और 25-23 के स्कोर से लगातार 2 सेटों में शिकस्त दी। इसके बाद मैनपुर और शेरपुर के बीच कांटे के मुकाबले में मैनपुर ने 25-20, 21-25 और 25-22 के स्कोर से मैच जीता। मैनपुर शेरपुर का मैच बहुत ही मनोरंजक रहा। मैनपुर के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वायुसैनिक विकास सिंह बुलेट के जबरदस्त स्मैश और डॉज ने शेरपुर के खिलाड़ियों को हतोत्साहित कर दिया। इस मौके पर आयोजक अंकुर सिंह अनुराग, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मौनी बाबा मठ के महंत स्वामी विशुद्धानंद यति, मैनपुर ग्राम प्रधान अजय सिंह लाल बाबू, हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अमित सिंह, मनोज सिंह, दीपू सिंह व करंडा क्षेत्र के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जमनिया तहसील परिसर में सोमवार को दिन में 11 बजे से बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत होकर 7 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोरखनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व में दिए गए 7 सूत्री मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर धरना प्रदर्शन को हम लोगों को बाध्य होना पड़ा। चेतावनी दी कि अगर आगामी 26 नवंबर तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग 27 नवंबर को सड़क पर उतर जाएंगे। धरना प्रदर्शन में सुरेंद्र प्रसाद, राजवंश सिंह, रामजी राय, नंदकिशोर राय, श्रवण, मिराज हसन आदि अधिवक्ता शामिल रहे। संचालन रामजी राय ने किया। उधर SDM शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहसीलदार पेशकार के हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजा गया है। तहसील में कर्मचारियों की कमी है। राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ की तरफ से कार्यालय जिला कुष्ठ अधिकारी पर सोमवार को जिला कुष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर NMS रामानंद राम, NMA राजदेव राम और NMS विनोद कुमार दीक्षित को सेवानिवृत्त होने पर उनका माल्यार्पण कर विदाई दी गई। उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह, जिला मंत्री सर्वजीत सिंह यादव, संरक्षक JP सिंह, उपाध्यक्ष लालजी प्रसाद, उमेश गुप्ता, श्याम बिहारी के साथ ही समस्त कुष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा गाजीपुर के कोर कमेटी की बैठक खजुरिया स्थित परिषद कैंप कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अंबिका दुबे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई। इसमें केंद्रीय श्रम संगठनों, स्वतंत्र फेडरेशनों द्वारा 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में प्रतिभाग करने के लिए प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के अनुपालन के लिए रणनीति बनाई गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि परिषद से असंबद्ध सहयोगी कर्मचारी, शिक्षक, श्रमिक संगठनों के लोग 26 नवंबर को दिन में 10 बजे से सदर विकास खंड परिसर में एकत्र होंगे। यहां से जुलूस की शक्ल में विकास भवन में आयोजित विरोध सभा में शामिल होंगे। बैठक को सूर्य भानु राय, बैजनाथ तिवारी, पवन पांडे, इंजीनियर अखिलेश यादव, इंजीनियर सुरेंद्र प्रताप, अनंत सिंह, प्रमोद उपाध्याय, डॉक्टर दुर्गेश सिंह आदि ने संबोधित किया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।